नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा, डायरेक्ट विद दिनेश में। इस बार मेरे साथ है INLD के नेता, वरिष्ठ नेता और नेता विपक्ष हरियाणा में, अभय चौटाला जी। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया में, डायरेक्ट विद दिनेश में। बहुत धन्यवाद। पहला मेरा सवाल, INLD SYL के मुद्दे पर जो है, आप SYL के मुद्दे पर काफ़ी मुखर है। क्या आपको लगता है कि 2019 में जो लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है, ये आपके लिए संजीवनी की तरह है? ये मुद्दा आपको सत्ता में ला सकता है? ये इस पर कोई हम राजनीति नहीं कर रहे जी। हमने इसको कोई राजनीतिक इशू नहीं बना रखा। ये जो SYL का इशू है जी, ये आज का नहीं, जब हरियाणा और पंजाब दो अलग अलग स्टेट बने जी, जहाँ हमारी सीमाएं अलग अलग की गई, वहाँ नदियों के पानी का एक बंटवारा हुआ और उसके अंदर सतलुज के दरिया का जो पानी है जी, वो 38 लाख एकड़ फुट पानी हरियाणा के हिस्से में दिया गया था। ये जिम्मेवारी तो थी उस वक़्त की जो सरकार थी 66 के बाद जी, प्रदेश अलग होने के बाद जो कांग्रेस की सरकार बनी, उनकी जिम्मेवारी थी कि इस नहर का निर्माण करवाते जी, और हमारे हिस्से का पानी हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए लेकर के आना चाहिए था जी। उन्होंने प्रयास नहीं किए, उन्होंने तो इस पे राजनीति करी जी। उन्होंने राजनीतिक तौर पे कैसे हरियाणा प्रदेश में उनका अपना वर्चस्व रहे, कैसे वो लोग सत्ता में बने रहे जी, इसके लिए उन्होंने भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहर का निर्माण किया जी। जबकि नहर का पानी हमेशा हेड से चल कर के आता है, ना कि टेल से शुरू होता है जी। उन्होंने टेल पे नहरें बनाई जी। केवल इसलिए टेल पे बनाई कि भिवानी के लोगों में चौधरी बंसीलाल ये दिखाना चाहते थे कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी हूँ। अगर वो प्रदेश के हितैषी होते तो 100% नहर का निर्माण वहाँ से शुरू करके और हरियाणा को उसके हिस्से का पानी उन्हीं 2-4 साल में दिलवा सकते। जिम्मेवारी उनकी थी। 77 तक प्रदेश में कांग्रेस थी, देश में कांग्रेस थी, पंजाब में कांग्रेस थी। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जिम्मेवार है इसके लिए? 100% इसके लिए 100। मेरे सामने आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाओ, मेरे सामने आप चीफ मिनिस्टर को बुलाओ जी, हम तीनों से बैठा करके इस बात पे डिबेट करो। मैं सबूत के साथ सारी चीजें आपके सामने लेकर के आऊंगा। अगर मेरी किसी एक बात का भी जी वो आंसर दे पाए जी, तो मैं फिर अपने आप को राजनीतिक तौर से विड्रॉ। फैसला हरियाणा के पक्ष में है, राज्य में हरियाणा, हरियाणा में जो सरकार है वो बीजेपी की। बात सुननी चाहिए जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो जरूरी है जी। उसके बाद उस 10 साल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई प्रयास नहीं किया जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गवर्नमेंट चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने जो बहुत दिन से लंबित पड़ी भी उनके पास जो गवर्नर की तरफ से भेजा गया था जी, उसके ऊपर फिर 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने एक फैसला दिया जी। उन्होंने वही फैसला दोहराया जो 16 जून को हुआ था। उन्होंने कहा कि एज इट इज उस फैसले को लागू किया जाए जी, और इस नहर का निर्माण करके जी हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिया जाए जी। अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्र की सरकार, जिसकी एक जिम्मेवारी थी कि उस संवैधानिक पीठ के फैसले को लागू करके नहर को बनाना चाहिए था जी, अब बारी बारी से दरखास्त लगा करके सुप्रीम कोर्ट में समय मांग रहे और ये कहते हैं कि आप हमें समय दे दो जी, हम दोनों चीफ मिनिस्टर्स को बाहर बैठा करके इस पे फैसला कराएंगे जी। अगर दो चीफ मिनिस्टर बैठ करके आपस में इस पे फैसला करते जी, तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जाता, फिर इसको 50 वर्ष नहीं लगते जी। आज बीजेपी भी जानबूझ करके इसको लटका रही है। इसके लिए हमने पूरे प्रदेश के लोगों को अपने साथ लेकर के आंदोलन चलाया है। हमने बारी बारी से प्रधानमंत्री से मांग करी है कि आप इस नहर का निर्माण करवाओ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करो। लागू क्यों नहीं कर रहे? हमने इसके लिए प्रधानमंत्री जी से मिलने का कई बार समय मांगा जी। तो आपको समय मंत्री ने समय मिला नहीं? नहीं, हमें कोई समय नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने। हमें एक बार उन्होंने ये कहा कि आप जाकर के गडकरी जी से मिलो जी। हमने जब गडकरी जी के सामने सारी बात रखी जी, हमने उनको बताया जी कि सरकार की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जी, आज किसी किस्म की कोई भी रुकावट नहीं है, कोई मामला हमारा सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के पेंडिंग नहीं है। आज भी हमारे हिस्से का पानी, आप मेरे साथ चलो, यहाँ से सीधे चलते हैं जी, और सुबह मैं आपको उस जगह पे ले जा करके खड़ा करूँगा। आज तो बारिशें भी नहीं है जी,
आज तो पानी की वैसे भी किल्लत है जी, लेकिन आज भी हमारे हिस्से का पानी जो है दरिया के माध्यम से पाकिस्तान जा रहा है जी। आज भी वो पानी हमें देने की बजाय पाकिस्तान को दिया जा रहा है जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं पानी नहीं है, हम उनकी बात को मान लेते हैं कि पानी नहीं, नहर तो बनाओ। मैंने तो विधानसभा में भी और विधानसभा के बाहर भी आप लोगों के माध्यम से अनेक दफा ये बात कही जी कि कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को, इस प्रदेश के और जो राजनीतिक दल है उन सबको जी मिलकर के प्रधानमंत्री पे इस बात पे जाकर के जी कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी आप हमारे प्रदेश की अनदेखी मत करो जी, हम अपने प्रदेश के साथ अन्याय नहीं होने जी। लेकिन वो लोग सिर्फ इसलिए नहीं आ सकते जी कि अगर आज कांग्रेस के लोग, आप सबसे बड़ी चीज देखने वाली है जी, आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इंटरव्यू किया, आपने मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू किया जी, उन्होंने SYL का जिक्र तक नहीं किया जी। उन लोगों के सामने अगर आप SYL का जिक्र करो तो उनके चेहरे की जो रंगत है वो बदल जाती है, क्योंकि वो लोग इसके लिए गुनाहगार हैं जी। आज की तारीख में पानी नहीं मिलना जितना कांग्रेस जिम्मेदार पीछे रही है जी, आज हमारे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उससे ज्यादा बड़ी गुनाहगार है जी। आज 19 महीने से ज्यादा समय हो गया फैसला हमारे हक में आए हुए, अब तक मुख्यमंत्री ने केवल हमारे साथ एक मीटिंग इस इशू को लेकर के करी जी। और उस मीटिंग में मुख्यमंत्री ने हमारे से वायदा किया था कि हम प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे, उसके बाद की एक चीज और आपको बताना चाहूंगा जी। लेकिन लेकिन एक चीज और सुन जी, मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मैं आपको प्रधानमंत्री के पास लेकर के जाऊंगा, प्रधानमंत्री ने उनको मिलने का समय नहीं दिया जी। फिर मुख्यमंत्री ने प्रेस के माध्यम से एक बात कही कि मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और मैंने प्रधानमंत्री जी से SYL के ऊपर बात भी करी जी। हमने मुख्यमंत्री जी को विधानसभा में ये पूछा कि अगर आपकी प्रधानमंत्री से बात इस इश्यू पे हुई है तो प्रधानमंत्री ने आपको उसके इस SYL के मामले में क्या इंश्योरेंस दिया जी, आप ये बताएं जी। हमने ये कहा कि अगर आपने चिट्ठी लिखी है जी तो उस चिट्ठी को आप पटल पे रखो विधानसभा में, ताकि हर मेंबर्स को इस बात का पता लगे कि आप SYL को लेकर के हरियाणा की पैरवी कर रहे हैं। कि आपको चिट्ठी का क्या जवाब मिला? कोई चिट्ठी नहीं है जी। मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी होती तो चिट्ठी सामने लाते जी। मुख्यमंत्री जी ने तो ये कह करके पद की गरिमा को भी कम किया। आप कह रहे हैं कि कोई चिट्ठी नहीं लिखी, झूठ बोल रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल, अगर चिट्ठी लिखी है तो जाओ सार्वजनिक करो, बताओ दिखाओ कहाँ लिखी है, कौन सी डेट में लिखी है जी। अभय जी आप एक बात और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी इसके लिए जिम्मेवार है। उतनी जिम्मेवार आज की तारीख में, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इसको लटका रही है। केंद्र की सरकार को डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जी। लेकिन बारी बारी से सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्त लगा करके बारी बारी से समय मांगा जा रहा है। क्यों लटका रही है, क्यों लटका रही है आपको? इस बात का जवाब प्रधानमंत्री से जाकर के पूछो, इस बात का जवाब मुख्यमंत्री से पूछो, वो इस बात का जवाब देंगे। मैंने तो हर बार विधानसभा में मुख्यमंत्री के सामने ये सवाल खड़े किए और मुख्यमंत्री के पास कभी भी कोई जवाब नहीं, हाउस छोड़कर के चले जाते हैं जी, लेकिन हमारी बात का जवाब नहीं दे पाते। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अपनी जगह है, लेकिन आपकी पार्टी, आपका दल जो है RLD, तब इस मुद्दे को उठाती है जब चुनाव आने वाले होते हैं। नहीं, चुनाव की तो बात ही नहीं है, ये मुद्दा तो जब 10 नवंबर को 2016 को इस पर फैसला है जी, हमारी पार्टी ने लगातार इस बात का प्रयास किया। हम तो आज भी उनको कहते हैं कि आप इस पर, हम राजनीति नहीं करें। मैं वकीलों के पास गया, मैंने हरियाणा प्रदेश की एक एक बार में जाकर के वकीलों से मिलकर के कहा कि आप हमारी पैरवी करें। वकील को आप किसी को भी जी इस बात के लिए समझा नहीं सकते कि भी हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो ठीक है जी। हमने वकीलों को सिर्फ जाकर के एक बात कही कि आप राजनीतिक तौर पर किसी भी पार्टी के साथ जाओ, कल को आने वाले समय में किसी के साथ खड़े होकर के आप उसकी ताकत बढ़ाना जी, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के लोगों के हितों पे कुठाराघात हो रहा है, हरियाणा की अनदेखी हो रही है, उसके साथ न्याय नहीं हो रहा जी। तो वकील के नाते आपको भी इसके लिए प्रधानमंत्री को लिखना चाहिए। हरियाणा की 22 के 22 जिलों की कोर्टों ने जी, वकीलों ने, जो आपके वकीलों की जो बार बनी है उसने बाकायदा प्रधानमंत्री को लिखा है। मैंने हरियाणा प्रदेश के 6000 और 700 कुछ गांव हैं, उन सब गांवों से, पंचायतों से रेजुलेशन बनवा करके प्रधानमंत्री को भेजे जी, नगर पालिकाओं के, नगर परिषद के रेजुलेशन बना के प्रधानमंत्री को भेजे जी। कि पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों के, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं,
वो सब आपसे इस बात की डिमांड करते हैं कि आप इस नहर को बनवाओ जी। लेकिन बावजूद उसके हमारा मुख्यमंत्री रोजाना रोड शो करते हैं, रोज मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जी। मुख्यमंत्री जी एक दिन भी ये क्यों नहीं कहते कि मैं बहुत जल्दी इस नहर को बनवा दूं। मुख्यमंत्री इस बात का सिर्फ और सिर्फ हमें जवाब दे दे और बता दे जी कि उन्होंने अब तक पैरवी क्यों नहीं करी जी। अभय जी आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी चुप हैं, लेकिन अगर बात की जाए 2019 की बात की जाए, आपने बहुजन समाज पार्टी से समझौता किया, आपको लगता है कि ये समझौता जो है लोकसभा चुनाव में आपके और बीएसपी के बीच आपको फायदा होगा, आपको ज़्यादा फायदा होगा इसका? हमने समझौता फायदे और नुकसान के लिए नहीं किया जी। हमारे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस किस्म के हालात इन्होंने बनाने की कोशिश करी जी। इस प्रदेश को 35 और 36 जात के नाम पे बांट दिया जाए जी। आपस में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान इस किस्म का विवाद अपने ही मिनिस्टरों से, अपनी पार्टी के सांसद से इन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर खड़ा करने की कोशिश करी जी। हमने एक वर्ष तक सद्भावना दिवस के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती को मना करके लोगों के भाईचारे को फिर से कायम किया जी, जी। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर इस बात की बड़ी ज़रूरत थी कि हमारे प्रदेश का भाईचारा आपस में उसमें कोई दरार ना है, इसके लिए हमें राजनीति से ऊपर उठ करके एक दूसरे का सहयोगी और साथी बनना चाहिए जी। हमारा ये समझौता नहीं है कि भाजपा बीएसपी कितने सीट पे लड़ रही है, आईएनएलडी कितनी सीट के ऊपर लड़ रही है जी। हमारा समझौता इस बात का है कि एक तो हरियाणा का भाईचारा और ज़्यादा मजबूत हो जी, और दूसरा राजनीतिक तौर के ऊपर जिन लोगों ने प्रदेश और देश के लोगों का नुकसान किया वो राजनीतिक तौर पर सत्ता से बाहर हों जी, और वो भाईचारे की सरकार फिर बने जिसने प्रदेश के हितों के लिए लोगों के काम किए। SYL की नहर बने, दादूपुर नलवी नहर का फिर निर्माण हो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो जी, और उसके साथ साथ मेवात कैनाल बन करके जहाँ मेवात डिस्ट्रिक्ट को और उसके साथ आपके गुड़गावा के कुछ इलाके को और गुड़गावा के साथ पलवल का अथीन का जो एरिया उस इलाके को भी स्वच्छ जल मिले, उनके किसान वहाँ का भी उस नहर के पानी से अपनी खेती की पैदावार करे। तो कोई सीटों पे कोई बात नहीं, कोई समझौता नहीं होगा बीएसपी यहाँ पर? आप कह रहे हैं कि हरियाणा में आपके साथ आप कोई सीट शेयरिंग नहीं होगी उनके साथ? जो सीट बीजेपी बसपा का है जी हमारा साथी जीतने लायक होगा जी, जो कैंडिडेट उनका जीतने लायक होगा हम उनके लिए एक मिनट में छोड़ देंगे जी, जहाँ हमारा उम्मीदवार जीतने लायक है वो हमारे लिए एक मिनट में छोड़ देंगे। ये हमारा आपस का फैसला है जी कि जहाँ जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा हम उसी को ही चुनाव लड़ाएंगे जी। लोकसभा विधानसभा दोनों में? दोनों जिले में। लोकसभा चुनाव में INLD ही चुनाव लड़ेगी या बीएसपी को भी आप सीट देंगे? बीएसपी को हम सीट देंगे, हम उनके साथ एडजस्टमेंट करेंगे, उनके बीएसपी के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ेंगे जी, विधानसभा में भी बीएसपी के लोग चुनाव लड़ेंगे जी। हमारा टारगेट जो है केवल हरियाणा नहीं है जी, हम देश से भाजपा जाए, कांग्रेस सत्ता से दूर रहे, इसके लिए देश के अंदर तीसरे मोर्चे की शुरुआत हमने हरियाणा पद से शुरू करी है जी। और मैं आज आपसे कहता हूँ वो दिन दूर नहीं होगा जी जिस दिन मायावती के नेतृत्व में तीसरा बड़ा मोर्चा बनेगा जी, और 100% आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री के रूप में मायावती जी को लोग पहली पसंद करके और इस देश की बागडोर सौंपने का काम। लोग तो ना कांग्रेस को सत्ता में लेना चाहते ना लोग जो है भाजपा को सत्ता में रखना चाहते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जी जिस वायदे के साथ लोगों के बीच में गई थी उनमें से आज तक एक भी कोई अपनी कई भी बात को पूरा नहीं किया, बल्कि देश के लोगों को किस तरह से ये कह करके जी उनको अपमानित करने का काम किया। अमित शाह जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए की जो बात प्रधानमंत्री ने कही थी जी वो चुनावी जुमला था जी, जी। मतलब आप एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जो देश में सत्ता में बैठी जी उसका पार्टी का अध्यक्ष ये कहे कि हम तो जुमले वाले हैं जी, तो फिर इस देश के ऊपर इंटरनेशनल सतर पे हमारी क्या स्थिति होगी इस बात का इसी बात से अंदाजा लग सकता है जी। लेकिन गठबंधन की आपने बात की कि एक बड़ा गठजोड़ जो है वो केंद्र में बनने जा रहा है, उसमें आपकी पार्टी INLD भी उसमें जो है उस गठजोड़ में शामिल होगी, लेकिन अगर कांग्रेस जो है कांग्रेस का समर्थन रहा, कांग्रेस साथ आती है तो एक तरफ केंद्र में जो है कांग्रेस के साथ और हरियाणा में उन्होंने ये कहा है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे जी, हम कहीं पर भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम तो क्षेत्रीय दल जो हैं जो रीजनल पार्टीज हैं
उनके साथ गठबंधन करेंगे, तीसरा मोर्चा बनाएंगे और तीसरे मोर्चे की सरकार बनाएंगे जी। पोस्ट पोल अगर कांग्रेस कांग्रेस की एक मजबूरी तो मैं मान सकता हूँ जी, क्योंकि कांग्रेस की हालत, जिस कांग्रेस को लोगों ने 400 से ज़्यादा सीटें दी थी, आज वो 44 पे आ गई जी, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में ये 44 का आंकड़ा फिर पार कर पाएंगे जी। कांग्रेस सत्ता के नज़दीक अब नहीं जा सकती जी, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता नहीं बचा आज जो इस कांग्रेस की नैया को फिर से पार लगा सके जी। तो आप कह रहे हैं आज की तारीख में जी, जब देश में चुनाव हो जाएंगे जी, और देश में चुनाव होने के बाद जब हंग पार्लियामेंट आएगी, तो कांग्रेस एक मजबूरी के तहत जी अपना समर्थन जो है वो मायावती को दे सकती है, क्योंकि वो भाजपा को बाहर रखने के लिए उनको समर्थन दे सकती है। समर्थन दिया जा सकता है लेकिन समझौता नहीं किया जा सकता जी। समर्थन मंजूर है, समर्थन में बहुत फर्क होता है, समर्थन मंजूर है। आप अगर समर्थन मायावती प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस उसको समर्थन दे, तो हमें क्या आपत्ति है इस बात? आपको कोई आपत्ति नहीं? नहीं, हमें कोई आपत्ति। तो राज्य में इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी केंद्र में? आपको हमारे प्रदेश के अंदर ना तो हमारा और कांग्रेस का समझौता हो सकता है, ना मायावती जी का उनका, यहाँ तो हमारा ही समझौता है। हम इन दोनों पार्टियों को सत्ता से बाहर करेंगे जी, और केंद्र में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए अगर कांग्रेस मायावती जी को समर्थन करेगी तो हमें कोई आपत्ति जी। अभी जी, भारतीय जनता पार्टी लेकिन कह रही है कि उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई खतरा नहीं है, गठजोड़ जो है अगर साथ भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये आपके सामने ये बात मान ले कि हमें बड़ा खतरा है इस बात का, तो फिर तो ये मान के चलो कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली जी। कोई भी राजनीतिक दल जो है, जिस दल की एक भी सीट ना है, आप उससे भी जा करके पूछ लो, वो भी ये कह देगा आपको 100% कि मेरी तो सारी की सारी सीटें मैं जीत करके आऊंगा, मैं अपने अगले आने वाले समय में सरकार बनाऊँ। आज राजकुमार सैनी से पूछ लो जी, वो भी ये कहेगा कि अगली सरकार इस प्रदेश में हमारी बनेगी जी। तो आपको लगता है डर है गठजोड़ जो जिस तरह से रीजनल हाँ, पार्टी जो साथ आ रही है, डर लग रहा है? इससे बड़ा डर और इनके सामने क्या होगा कि अब तक जितने बाई इलेक्शन हुए, हम सब बाई इलेक्शन के अंदर जिस बीजेपी ने जी बड़े मार्जिन के साथ सारी सीटें जीती थी, वो धराशायी होगी जी जी। अगर हरियाणा की बात करें अभी जी, पिछले 15 साल में जो है INLD सत्ता से बाहर है, आपको लगता है कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है पार्टी? जमीन स्तर पर जो कार्यकर्ता है उसमें कहीं थोड़ी हताशा है? आपने पूरी कोशिश की है ये कहा जाए कि कार्यकर्ताओं को उनका मोटिवेशन, उनको मोटिवेट करने में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कमज़ोर हुई है पार्टी पिछले 15 साल? ये बात मुझे विधानसभा में एक बीजेपी के MLA ने पूछी जी। उसने कहा जी कि अगर आप लोगों को, हरियाणा के लोग पहले सत्ता देते रहे थे, 15 साल से आपको इसलिए बार कर रखा है जी कि आप सत्ता में रहते हुए लोगों को ठीक से संभाल नहीं पाए जी। मैंने उससे पूछा था कि तुम जब से इलेक्शन होने शुरू हुए जी तब से लेकर के अब तक इस हरियाणा प्रदेश में सत्ता से बाहर थे, तुम्हारा अब की बार दाव लग गया? मैं कई बार हमने सत्ता से चाहे बाहर रहे चाहे सत्ता में रहे जी, हरियाणा के लोगों के दिलों पर राज किया है। मेरा जेल भरो आंदोलन था सोनीपत के जी जी, उसके अंदर 35,000 से ज़्यादा लोगों ने गिरफ्तारी दी, और वो गिरफ्तारी कोई मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ जी, वो गिरफ्तारी जो दी जाती है बाकायदा तौर पे जो गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट आता है जी, जो पुलिस फोर्स उसके साथ भेजी जाती है जी, वो आकर के ये बात मंच से कह करके जाता है कि आज इतने लोग यहाँ पे मौजूद है जिनके लिए मैं अस्थाई जेल बना रहा हूँ जी, और फिर ये कहता है कि मैं इतने लोगों को आज गिरफ्तार करूँ। वो संख्या बताता है, आज हमारी संख्या थी 35,367 की जी, उतनी संख्या का वो ऐलान करता है कि मैंने इतने लोगों को गिरफ्तार किया है जी। और फिर उसको ये भी कहना पड़ता है बाद में कि हमारी मजबूरी है, जेल में रखने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, इसलिए हम आप सबको फिर रिहा करते हैं जी। मतलब ऐसी हालत है कि आज की तारीख के अंदर हरियाणा प्रदेश में अगर आज चुनाव हो जाए तो ना भाजपा का कहीं खड़का और डंका, ना बीजेपी का, हम 87 का इतिहास फिर दोहराएंगे जी, और 100% हरियाणा प्रदेश के अंदर 87 से भी ज़्यादा सीटें जीत करके इस प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनाएंगे जी। अभी जी आप कहते हैं आपने आपने कहा हमारी पार्टी की कमज़ोर होने की बात जी, आपने कहा कि कहीं आपका संगठन कमज़ोर तो नहीं हो जी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को, राजेश सिंह जी को एक षड्यंत्र के तहत जेल की सलाखों के पीछे इन्होंने भेज दिया जी, 10 साल की सजा करा दी जी। इन्होंने ये मान लिया था कि ये जेल चले जाएंगे तो 100% इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है
वो कमज़ोर पड़ जाएगी, वो टूट जाएगी, उस पार्टी का अतिस्तंभ नहीं बचेगा। कांग्रेस के लोगों ने लड्डू बांटे थे जी, आपके अखबार ने मीडिया ने उनको लड्डू खाते खिलाते दिखाया था जी, और वो बारी बारी ये कह रहे थे कि अब लोकदल गया जी। जिस लोकदल को वो ख़त्म करना चाहते थे, आज वो कांग्रेस हाशिए पे है जी। आज उस कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े हो गए जी। आज उस कांग्रेस के 6-7 जगह पे नेताओं ने अलग अलग अपने तौर पे कैसे कांग्रेस को मजबूत किया जाए, कैसे अपने आप को स्थापित किया जाए, कैसे राहुल गांधी के सामने अपने आप को अपना वर्चस्व दिखाया जाए, वो आज अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं जो हमें खत्म करना चाहते थे। आज वो लोग हाशिए पे आ गए, आज वो लोग खत्म हो गए पूर्ण रूप से। भारतीय जनता पार्टी ने भी आज जिस किस्म के हालात प्रदेश में पैदा कर रखे, मुझे लगता नहीं कि हमारे मुख्यमंत्री भी कहीं से चुनाव लड़के जीत गए। कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि आईएलडी तो भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी की बी टीम है, ये आरोप लगते हैं। आज अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है इस हरियाणा प्रदेश में लोगों के हितों के लिए, आज अगर कोई विपक्ष की अपनी भूमिका निभा रहा है, तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। जो लोग ये आपके सामने बैठ करके कहते हैं, उनको मेरे सामने लाओ तो से। लेकिन नहीं, जो लोग कहते हैं कि हुड्डा क्या, ये सरकार उनको डरा रही है और अंग्रेज भी उनको डरा नहीं पाए, उनकी आवाज दबा नहीं पाए, ये सरकार उनकी आवाज दबा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आवाज तो लोगों ने दबाई है, 10 साल तक इस प्रदेश को लूट करके खाया। भाजपा तो उसकी आवाज़ को कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश कर रही है, उसको बचाने का प्रयास कर रही है। ये लोग जो इस किस्म के आरोप लगाते हैं, मैं आपसे मतलब ये कहता हूँ कि खुली बहस करवाई जाए इन इश्यूज पे। हरियाणा प्रदेश के लोगों को सच्चाई सामने पता लगनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये ए और बी की टीम की बात करने वाले लोगों को मेरे सामने लाओ, ताकि लोगों के सामने इनके विचारों की ठीक से पोल खुल जाए, ठीक से इनका पता लग जाए कि कौन ए और कौन बी है। अभी जी हाँ, हमको लेना हो एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डायरेक्ट विद दिनेश।